मैं लखनऊ मैक एंड कानपुर डायरेक्टर हूँ एंड ही इज़ में जोनल हेड नॉर्थ मैक। क्या प्रोग्राम था, प्रोग्राम का क्या मकसद? जी ये जो प्रोग्राम है ये हमारे जो एकेडमीज़ हैं लखनऊ और कानपुर में उनके स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के जो क्रिएटिव स्किल्स है जो उनको पढ़ाई कराते हैं उसको निखारने के लिए उनके आउटपुट को देखने के लिए हमने कॉम्पिटिशन रखा है और इसको हमने पहली बार रखा है। फर्स्ट ईयर हमारा ये कार्निवल ऑफ क्रिएटिविटी क्लैश ऑफ क्रिएटिविटी हमारा प्रोग्राम है। इसको हम आगे कई सालों तक इसको आगे लेके जाएंगे और उसको आगे बहुत बड़े लेवल पे बड़े स्तर पर हम इसको कम्पीट कराएंगे स्टूडेंट से। ऑब्जेक्टिव हमारा इसके पीछे है कि स्टूडेंट्स अपने काम को आगे लेकर के आएँ, हमें भी पता लगे स्टूडेंट्स का लेवल क्या जा रहा है और इंडस्ट्री को भी हम ये काम दिखाएंगे कि आज जब जिस तरह से हमारी एनिमेशन और वीएफएक्स इंडस्ट्री ग्रो कर रही है उसमें स्टूडेंट्स के लेवल पर इस तरह का इतना अच्छा काम आ सकता है। तो जब ये प्रोफेशनल्स बनेंगे तो आगे जा करके सच में इंडिया का एक नाम इस इंडस्ट्री में रोशन करने की पूरी काबिलियत हमारे पास है। तो हमारी कोशिश है इस इंडस्ट्री को एक सपोर्ट देने के लिए अपने एकेडमीज़ की तरफ से, जिससे स्टूडेंट्स को हम आगे बढ़ावा दें, आगे उनके जॉब्स अच्छे लगेंगे और इंडस्ट्री को हम सपोर्ट करेंगे। तो और एक अपना एक प्रयास कर रहे हैं इस कंपटीशन के थ्रू। आज हमारे यहाँ लगभग 700 स्टूडेंट्स की प्रेजेंस थी, यहाँ पे 700 हमारे पास ऑडियंस थे, यहाँ पे आए थे और 150 कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पर हमने अलग अलग कैटेगरीज रखी हैं, उनको हमने अवार्ड दिया है। इसके अंदर मैं रमन जी से रिक्वेस्ट करूँगा वो कैटेगरीज को एक बार एक्सप्लेन करेंगे। सो इसमें जो आज हम लोग कैटेगरीज दे रहे हैं, इसमें आपका 3D एनिमेशन हो गया, 2D एनिमेशन हो गया, 3D आर्किटेक्चर, DFM, डिजिटल फिल्म मेकिंग और डिजिटल पेंटिंग, मैट पेंटिंग, लॉट्स ऑफ एक्टिविटी कैटेगरीज आज देयर, जिसके ऊपर बच्चों को आज अवार्ड दिया जा रहा है।